बनाते हैं फिंगर फ्राइज़, और बिल्कुल ये ना मैकडोनल्ड जैसे मैकडी जैसे तैयार होंगे। इसके लिए हम आलू काट लेते हैं और इसको कपड़े में अच्छे से पोंछ लेंगे ताकि तड़का लगते समय हमें कोई नुकसान ना हो। और पैन में लेंगे हम तेल और तेल को कर लेंगे अच्छे से गर्म, और इन जो कटे हुए आलू हैं ना इनको अच्छे से हम डीप फ्राई करेंगे। याद रखिएगा इनको हमें डीप फ्राई ही करना है, तो मैं यहाँ पर इनको कर लूँगी डीप फ्राई। और बस जैसे ये डीप फ्राई हो जाएंगे ना तो इनको अभी बस डीप फ्राई करना है, और इसको फिर बाद में निकाल लेना है। और मैं इनको यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं इनको देखिए ये जब इस तरह के डीप फ्राई हो जाएंगे ना तो आप इन्हें आराम से निकाल लीजिए और एक टिश्यू पेपर के ऊपर रखिए ताकि जो एक्सेस ऑयल है, जो ज़्यादा ऑयल है वो इसमें निकल जाए, क्योंकि इनको करना है मुझे ठंडा। और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो फिर मुझे एक बार और इन्हें डीप फ्राई करना है। तो देखिए ये ठंडे हो गए हैं और फिर मैं इनको फिर से अगेन डीप फ्राई करूँगी। तो जब ये दोबारा डीप फ्राई करूँगी ना तो इसके जो मतलब जो लुक है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि हल्के हल्के से ये पकने लगे हैं, तो इनका लुक हो जाएगा कुछ इस तरह से। बस इनको इस तरह से चलाते रहिए आप कि ताकि ये जो है अच्छे से होते रहें। तो जब ये डीप फ्राई हो जाएंगे तो कुछ इनका लुक जो है चेंज होता जाएगा और ये हो जाएंगे ब्राउन से। बस इनको निकाल लीजिए और इनमें अब डालना है हमें मसाला। और मसाला डालने के लिए क्या क्या, थोड़ा सा मसाला डालना है। ये देखिए क्रिस्पी हो गए ना तैयार। और बस इसमें डाल दीजिए मिर्च, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला आधा चम्मच। बस हो गए हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार। अविष्का यहाँ पर खा रही हैं क्योंकि अविष्का को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। आज अविष्का का पेपर था तो मैंने अविष्का को फ्रेंच फ्राइज और खीर और उसके साथ में टमाटो सॉस के साथ ही खा रही है, तो अविष्का को बहुत पसंद है। और अविष्का बहुत हैप्पी भी थी क्योंकि पेपर करने के बाद कुछ अच्छा सा मिल जाए खाने को तो बच्चा और भी खुश हो जाता है। तो अविष्का कह रही कि मम्मा आपने तो कमाल कर दिया। और बस इनके पापा को भी मैंने ला दी है चाय कि ताकि ये चाय पी लें, पर इनका ध्यान है फ़ोन पर। और ये देखिए जब तक वो फ़ोन पे रहेंगे ना तब तक इनकी चाय हो जाएगी ठंडी। बस इनको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है क्योंकि फ़ोन जो है एक्चुअली सुबह से ही ऑफिस में ऑफिस के लोगों का कॉल आना शुरू हो जाता है जो इनकी पहली प्रायोरिटी है, और बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता है। और नीचे आ गए हैं फिर से डिस्टर्ब करने के लिए चद्दर वाले। मैं भी कुछ नाश्ता बना लेती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। तो मैंने यहाँ पर बना लिए हैं गोभी के पराठे। इसमें मैंने गोभी कस करके डाल दी है और बस वही नमक मिर्च थोड़ा सा डाल करके और मैंने तैयार कर लिए अपने पराठे। देखिए फिर मैं आ गई हूँ अपने DIY पे। और ये है एक बहुत साड़ी, तो बहुत पुरानी नहीं है क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो शायद मैंने इसको एक या दो बार ही पहना है और मुझे लगता है कि इसको कुछ करना चाहिए। तो मैं कुछ करने के लिए मैंने कुछ सोच रखा है और बस मैं लग गई हूँ और मैंने कुछ बनाया है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने बेड का नया लुक देना है तो आप इस तरह से फ्रिल लगा सकते हैं अपनी एक बेडशीट में। तो मैंने बस फ्रिल लगाई है और फिर ये देखिए, ये देखो अब ये लगाने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगी तो ये कैसा आता है। ये फिर लंबी लंबी मैंने लगा दी है, उनकी बहुत सारी ऐसे ऐसी प्लेट्स बना दी। ये प्लेट जो है ना वो करीबन एक एक इंच के डिस्टेंस पे या डेढ़ इंच के डिस्टेंस पे बनाई है तो लुक अच्छा आता है ये करने का। तो अब मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं और उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और बिंदी द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में आपका स्वागत है। और बस सारा काम मैं कर चुकी हूँ, खाना पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है, लंच हो चुका है और आई हूँ मैं अविष्का के रूम में। और मुझे लग रहा है कि अविष्का का जो रूम है ना थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि अविष्का को दिक्कत होती है। खरीदे हैं कुछ ऑर्गेनाइजर्स और कुछ चीज़ें हैं ये जो मैंने इसके लिए कल परचेस की थी, आपको वीडियो में मैंने दिखाई थी। तो ये सारे ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ करके इसके रूम को थोड़ा सा ठीक करूँगी। तो ये चीज़ें मैंने कल परचेस की थी। तो ये देखिए अविष्का की ये ड्रॉर है जिसमें अविष्का इस तरह से कुछ सामान जो है डाल देती हैं। और उसका क्या होता है कि कुछ उसके पास कहीं ना कहीं कुछ मेंटेन करने का इश्यू है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें कमी है जो जिसकी वजह से जो है ये सामान को सही से रख नहीं पाती है। तो मैं इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके इसको मेंटेन करूँगी रैक को।
तो इससे थोड़ा सा इसको आराम भी रहेगा कि ये इजी फाइंड आउट कर पाएगी और इसके हैबिट में भी आ जाएगा। साथ में कुछ और भी चेंजेस मैं इसके रूम में करूंगी, क्योंकि जो है ये देखिए बैठी हुई है और अपने ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने कल परचेस किए थे और कह रही है कि मम्मा जल्दी जल्दी मेंटेन करो ताकि जो है वो उस तरह उस चीज़ों को सीख सके। और कह तो बैठी हुई है तब से वेट कर रही है कि हाँ मम्मी कैसे मुझे बताएगी और कैसे मैं चीज़ों को रखूंगी अच्छे से। तो बच्चे जो बच्चे होते हैं ना, इनका तो काम ही होता है रायता फैलाने का, और माँ का काम होता है उस रायते को समेटने का, जो मैं यहाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी ड्रॉर से सामान निकाल देती हूँ ताकि ये उसको अपनी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उसमें रख पाए। और यहाँ पर मैंने उसको सिखाना शुरू कर दिया है कि बेटा ऐसे ऐसे अपने कलर्स और अपने पेंसिल्स को सेग्रीगेट करके और आप उसे डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स में डाल सकते हो। तो वो भी हेल्प कर रही है मेरी यहाँ पर। और ये देखिए मैं यहाँ पर एक निशान बना रही हूँ, और निशान पर मैं लगाऊंगी वो जो हैंगिंग्स जो आते हैं वो लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें अविष्का की रखनी हैं। तो बस मैंने ये खरीदे थे, कल ही खरीदे थे, तो मैंने इनको यहाँ पर जो उसका डबल टेप होता है ना, इस डबल टेप से हटा करके यहाँ पर लगा दिया है। और काफ़ी मजबूत होते हैं ये, तो इसमें कुछ हम हैंग कर सकते हैं। तो ये तीन का पैर, तीन का सेट था, तो मैंने इसमें से दो यहाँ पर लगा दिए हैं एक ही कलर के। और बस इसी में मैं कुछ एक रॉड ले लेती हूँ, ऑरेंज कलर की रॉड ली, मुझे ज़्यादा सही लग रही थी, तो ये जो फाइल का होता है ना वही मैंने ले लिया है। और अविष्का को कुछ काम पकड़ा दिया है, और अविष्का लगी पड़ी है अपनी जो इनकी क्लिप्स वगैरह हैं और जो भी है वो सारी निकाल के इसमें लगाने लगी। क्या लगा रही अविष्का? बहुत अच्छा, डेकोरेट कर रही। बहुत अच्छा। अब रख लो अपनी क्लिप्स उसमें, क्लिप्स हाँ रखती हूँ। रख लो। ये सारी छोटी छोटी, वाली थी। हाँ रख लो छोटी छोटी वाली क्लिप्स रख लो। अपने बैंड वगैरह भी लिख लो, वो भी रख दो, और जो पतले वाले छोटे छोटे बैंड से ना, हाँ वो डाल लो, काम आएंगे। मैंने अविष्का को एक न्यू बॉक्स दिया है, इनके गिफ्ट में ही दिया था किसी ने, तो अविष्का ये यूज़ करेंगी क्योंकि होता है टाइम टू टाइम इनकी बॉक्स जहाँ गंदे हुए इनको नया बॉक्स चाहिए होता है। कोई नहीं, आप इसी में रख लो पेंसिल वगैरह अपनी, ठीक है। तो इनका एक गिफ्टेड आइटम यही यूज़ करती हैं हमेशा, क्योंकि जो भी कोई गिफ्ट देता है ना, मैं अविष्का को सारे गिफ्ट यूज़ कर देती हूँ क्योंकि वो उनके गिफ्ट होते हैं, तो वही यूज़ करें भाई। आप रख लो इसमें पेंसिल, अपना बॉक्स रख लो। चलो आज से नया बॉक्स हो गया आपका। और यहाँ मैं सिखा रही हूँ अविष्का को कि किस तरह से हम अपनी पेंसिल्स, कलर, अपनी ड्रॉर को क्लीन रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जो कि हर माँ बाप को बच्चों को बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको डाल देंगे कि नीट एंड क्लीन कैसे रखना है अपने रूम को, तो ये आदत हमेशा बनी रहती है। मैंने अविष्का की ड्रॉर में कपड़े जो है वो फोल्ड करके रख दिए हैं, और रखने के बाद मैं जो है सारे कपड़े जब सेट हो जाते हैं, क्योंकि सारे कपड़े ही मैं लगभग सेट कर चुकी हूँ, और अच्छे से अविष्का को भी दिखा रही हूँ कि इस तरह से मैं सेट करती हूँ। बस लगा लेती हूँ यहाँ पर मैं अपना बेड, और ये बेड में देखी मैंने फ्रिल इस तरह से, क्योंकि मैंने बेडशीट पे ही लगा रखा था, तो मैंने इस फ्रिल को इस तरह लगा दिया है और अविष्का का बेड जो सेट कर दिया है। और बेड सेट करने के बाद देखिए अब ये लुक जो है आपको खुद पता चल रहा होगा कि इस पे ये फ्रिल कितनी सुंदर लग रही है। बस यहाँ पर हो गया अविष्का का बेड नीट एंड क्लीन, और मैं फिर नीचे की गंदगी थोड़ी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे डालनी है कारपेट, तो जो मैं लेकर आप आई हूँ, तो इसको मैं साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, फिर लास्ट में कारपेट डाल के मेरा काम यहाँ से हो जाएगा फिनिश। तो बस यही जो सफाई है, ये सफाई तो वैसे मैं डेली डेली करती हूँ, तो हो गई है सफाई यहाँ की। देखिए मैंने जो है कल जो खरीदे थे ना कारपेट पतले वाले, तो वो कारपेट मैंने जो है मुझे कलर नहीं पसंद थे, तो मैंने एक्चुअली क्या है विश्का के रूम में भी थोड़ा मैच चाहिए था मुझे, ब्लू और मरून का कॉम्बिनेशन, तो मैंने ये स्काई ब्लू में खरीदे हैं। और दूसरी चीज़ इस मैंने एक नहीं दो खरीदे हैं, एक मैंने ड्राइंग रूम के लिए भी लिया हुआ है, यहाँ पर दो लिए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के। और इसकी खास बात ये है कि मैंने जैसे होता है ना कारपेट बहुत भारी भी मेरे पास है,
पर ये हल्के हैं, जब इसका मन होगा तो मैं इसे मशीन में ला के धो भी सकती हूँ। और दूसरा ये क्या है कि ये धागे इसके नहीं निकलते हैं, तो ये बहुत मुझे ठीक लगे कि ज्यादा धागे निकलने वाले नहीं, या इसके अंदर कोई चीज भरी नहीं है कि कोई चीज के भरी हो और रुई या कुछ इस तरह का। तो वो फायदा है कि ये मशीन में डालेंगे जब धुल देंगे ना, इसको वैसे ही साफ हो जाएंगे। तो बस ये इस रीजन से मुझे मैंने लिए हैं, और इजिली जो है मैं इसे मतलब खुद से उठा सकती हूँ, यानी कि मुझे कारपेट करने बहुत, क्योंकि कारपेट बहुत हैवी हो जाता है, तो उस तरह से नहीं है। और दूसरा ड्राई क्लीनिंग का कोई खर्चा नहीं है, खुद से आप वॉश कर सकते हैं। तो ये मैंने अविष्का के रूम के लिए ये ब्लू और मरून का कॉम्बिनेशन लिया है, तो यहाँ मैं डाल लूँ। ये है 5x7 की, तो 5x7 की यानी 5x7 की मैंने ली है, क्योंकि अविष्का के रूम में यहाँ पर ना 5x7 का एरिया जो है वो बच जाता है, तो ये 5x7 में इजिली आ सकती है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर ही 5x7 के लिए। मेरी बेटी हो गई है बहुत खुश, क्योंकि सेकेंड टाइम उसका रूम को मैंने ऑर्गेनाइज किया है और कुछ नई चीजें की हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ एक एक चीज करके। और खासकर उसको ये पसंद आई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या चीज इसको बहुत पसंद आई है। ये है मेरी बेटी का लुक, फाइनल लुक जो मैंने, ये तो DIY किया था, जो लैम्प बनाया था वो यहीं पर रखा हुआ है। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें DIY की हैं, ये देखिए। तो बेसिकली इसका रूम काफ़ी क्लीन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये जो मैंने यहाँ पर ये फ्रिल का लुक दिया हुआ है ना, तो जो मैंने आज बनाया और इसमें लगाया, तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि सारा कॉम्बिनेशन मेरा ब्लू और मरून का है, क्योंकि इसको कलरफुल काफ़ी पसंद है, तो देखिए जो स्काई ब्लू कलर है और साथ में जो मैट मैंने यहाँ पर जो डाल रखी है ये भी, तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन मैंने इस तरह से ब्लू और मरून की ही दी हैं। तो ये देखिए, और साथ में इसकी अलमीरा में भी मैंने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, और जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने इसकी जो टिकटॉक्स होती हैं ना वो इसी में लगा दी हैं, क्योंकि बहुत ना बहुत जल्दी ये ढूंढती ढांती है, तो जो इसकी डेली यूज़ की हैं वो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिए, और काफ़ी इजी हैं हैंडल करने के लिए, क्योंकि आप इसे क्या कर, जब भी इसे लगे कि नहीं मुझे देखनी है, तो ये देखिए इस तरह से ये देख सकती है, इसे निकाल सकती है, इन टिकटॉक्स को इस तरह से कर सकती है, तो यहाँ पर, और जब मन करे चाहे तो इसके ऊपर ये इस पर इस तरह से रख सकती है। तो ये मैंने बना रखा, साथ में इसके कुछ ऑर्गेनाइज किए हैं, ये चीज़ें जो ऑर्गेनाइज़र मैंने खरीदे थे ना, तो वो देखिए मैंने यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो इसमें डाल दी हैं, बास्केट्स में डाल दी हैं, सारे ऑर्गेनाइज कर दी हैं इस तरह से, तो ये काफ़ी जो मैसी था ना वो अच्छा हो गया है। और ये रैक जो है ये मैंने इस तरह से काफ़ी ऑर्गेनाइज कर दी है, कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, और इनकी जो हैंकी हैं और इनकी जो ग्लव्स वगैरह होते हैं ना वो मैंने यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए, और इनकी जो टिक टैक है ना वो छोटी छोटी टिक टैक्स वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और इन्होंने खुद भी बल्कि काफ़ी मेहनत की है मेरे साथ, तो इन्होंने खुद भी यहाँ पर किया है। तो ये, और ये तो सारे मेरे DIY हैं जो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, वो सारे इसके DIY हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी इसमें मेरी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं, जो मैंने खुद की R&D कर रखी हैं। और ये देखिए, और काफ़ी अच्छा हो गया है, अविष्का की टेबल, अविष्का का न्यू जो मैंने यहाँ पर कालीन लिया है, जो कारपेट लिया है, और ये पूरा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको अविष्का का रूम अच्छा लगा हो ये तो आप ज़रूर प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट भी करिए कि आपको ये अच्छा लगा या आपको ये नहीं अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ कर सकती हूँ तो इसमें कर सकूँ। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।